नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में। सो अल्जाइमर्स डिसीज़ एक तरह के डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं भूलने की बीमारी। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ होता क्या है? सो अल्जाइमर्स डिसीज़ बेसिकली एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि जिसमें ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनकी सिकुड़न होनी शुरू हो जाती है, और इस सिकुड़न की वजह से जो नॉर्मल ब्रेन के केमिकल्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो इसलिए अल्जाइमर्स में जो ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाती है और पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में नंबर वन होता है मेमोरी लॉस। पेशेंट को रीसेंट मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे डिमेंशिया बढ़ता है वो पुरानी बातें भी भूलना स्टार्ट कर देता है। नंबर टू, बिहेवियरल चेंजेस। उनके बर्ताव में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ कुछ पेशेंट बहुत शांत हो जाते हैं, वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, तो कुछ पेशेंट बहुत हाइपर या इरिटेबल होना शुरू हो जाते हैं। नंबर तीन, पेशेंट को नॉर्मल रूटीन जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे कि नहाने में, कपड़े पहनने में। ऐसे पेशेंट कपड़ों को उल्टा पहनना शुरू कर देते हैं, बटन लगाने में उन लोगों को प्रॉब्लम आने लग जाती है। नंबर चार, ये पेशेंट को बोलने में भी बहुत बार प्रॉब्लम आती है, जहां उनको लगता है कि जो शब्द होते हैं वो उनको मिक्स कर देते हैं। नंबर फाइव, ऐसे पेशेंट में नींद लेने में प्रॉब्लम आती है, उनको स्लीप डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के पेशेंट में। अब आते हैं कि अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये किन पेशेंट में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो नंबर वन, जेनेटिक। जिन पेशेंट्स के पेरेंट्स में या फिर सिबलिंग्स में अल्जाइमर्स की हिस्ट्री रही है, उन पेशेंट्स में अल्जाइमर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। नंबर टू होता है, जिन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन मतलब बीपी, शुगर, जिनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं, जिनको पहले कभी स्ट्रोक की प्रॉब्लम रही है या कोई कार्डियक प्रॉब्लम रही है, या जिनका वज़न ज़्यादा है, इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अल्जाइमर्स। नंबर तीन होता है कि जिन पेशेंट को एक्सपोजर रहा है डिप्रेशन का, स्ट्रेस रहा है बहुत लाइफ में, या बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन होता है, तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के, जहाँ पर बहुत कॉमनली अल्जाइमर्स को देखा जाता है। अब आते हैं कि अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट रन करने पड़ते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, हम क्लिनिकली देखते हैं कि सिम्टम्स क्या रहे, फिर हम उनका डायग्नोसिस का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर हम MRI ब्रेन कराते हैं और पेट स्कैन कराते हैं ब्रेन का। इन दोनों टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि ब्रेन में कितनी ज़्यादा सिकुड़न शुरू हो चुकी है डिमेंशिया के लिए, और फाइनली डायग्नोसिस अल्जाइमर्स का बन जाता है। अब आते हैं लास्ट में, ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, जो अल्जाइमर्स है वो टाइम के साथ बढ़ने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। तो जितना जल्दी इसको हम पिक करेंगे और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि इम्प्रूवमेंट दिया जाए इस बीमारी में। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो कुछ दवाइयों के फॉर्म में होता है जो लेनी होती है, साथ ही साथ कुछ इंजेक्शंस के ऊपर भी रिसर्च चल रही है जो आगे के टाइम में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के ट्रीटमेंट में। तो ये ट्रीटमेंट होता है अल्जाइमर्स डिसीज़ का। तो लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि अल्जाइमर्स एक न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जितना जल्दी उसको हम पिक करेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अवेयरनेस है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो लोगों तक पहुँचें, लोग टाइमली एक न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करें डायग्नोसिस के लिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, जिससे कि मॉर्बिडिटी को हम रोक सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बी अवेयर एंड स्प्रेड द अवेयरनेस।